हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और स्वागत है आपका फटाफट ज्ञान में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि जो अतिथि शिक्षक का चॉइस फिलिंग को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं कि वैकेंसीज़ कहाँ से देखें और किस तरह से हम उन वैकेंसीज़ को फिल करें, उन सब के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत चलो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको कहाँ से पता चलेगा कि वैकेंसीज़ कहाँ पर हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं और किस सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहला आपका वही रहेगा कि आपको एमपी एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि आप देख रहे हैं सामने। ये विंडो ओपन है आपके सामने एमपी एजुकेशन पोर्टल की, और यहाँ पर आप जाके मेन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी। जैसे ही आप गेस्ट फैकल्टी पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली लिंक हो जाएंगे अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली की ऑफिशियल विंडो पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए गेस्ट फैकल्टी स्कोर कार्ड, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर आप डाई स्कोर देख सकते हैं, ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। और व्यू स्कूल प्रोफाइल, तो आज हम सिर्फ सीखेंगे कि व्यू टेंटेटिव वैकेंसीज, मतलब हम यहाँ पर वैकेंसीज़ किस तरह से देखें और फिर उन वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप स्कूल फिलिंग कर सकते हैं। इस यहाँ से ये पता चल जाएगा आपको कि किस स्कूल में कौन सी वैकेंसी और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी आपका सब्जेक्ट है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने एक पेज ओपन हो गया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और आपको क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करना है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर वैल्यू करनी है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप उस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। मैं कोई एक चुन लेती हूँ, जैसे मैं छतरपुर पर क्लिक करती हूँ, ठीक है। और ब्लॉक, तो छतरपुर में कितने ब्लॉक हैं, बड़ा मलहरा, बिजापुर, बक्सवा, और जो भी आपको, जैसे मैं बड़ा मलहरा क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है। और स्कूल टाइप, अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप किस स्कूल को करना चाहते हैं। सपोज़ आपका जो स्कूल कार्ड मिला है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। तो जैसे आपने MS को किया तो MS जैसे किया, अब आपका सब्जेक्ट देख लेते हैं तो आपने किस सब्जेक्ट के लिए किया है, ठीक है। ऑल टोटल यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। तो सपोज़ जैसे हिंदी, ठीक है, आपने हिंदी के लिए किया अप्लाई। तो और जैसे हिंदी के अप्लाई करेंगे और यहाँ पर फिर आपको वही प्रोसेस करनी है, आपको कैप्चा करना पड़ेगा। देन आप देख सकते हैं व्यू टेंटेटिव वैकेंसीज। अब देख लीजिए आप, ये आपके सामने हो गए सारे स्कूल। ओके, तो देख लीजिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा स्कूल पढ़ रहा है। सबसे पहला प्रेफरेंस आपको उसी को देना है जो आपके आसपास है। देन उसके बाद जो आपको लगे कि हाँ मैं इस स्कूल तक जा सकता हूँ या जा सकते हैं, तो उसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर विथ डाई स्कोर भी दिया हुआ है तो आपको आसानी रहेगी कि विथ डाई स्कोर के आप वैकेंसी, जैसे हिंदी की गोरखपुर और जो भी यहाँ पे हैं, बड़ा मलहरा और जो भी इसके अंदर जितने स्कूलों में वैकेंसीज होगी सिर्फ वही शो होंगे। आप ये ध्यान दीजिए, ये नहीं कि आपने कोई भी स्कूल का डाई स्कूल भर दिया, नहीं, पहले आपको वैकेंसीज देखनी है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ओके, ये तो MS का। अब जैसे HS के लिए करना है, ठीक है, HS, ठीक है, वही रहेगा हिंदी सब्जेक्ट। और यहाँ पर हम कैप्चा डाल लेते हैं, ठीक है, जो भी आपका कैप्चा है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। देन व्यू टेंटेटिव वैकेंसीज, तो चलिए अब HS में देख लेते हैं किसी स्कूल में खाली। तो HS में सिर्फ इतने ही स्कूल हैं जहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं, ठीक है, थीके? तो जो आपके आसपास है, अगर आपको लगता है कि आप चारों ही भर सकते हैं तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब हम हायर सेकेंडरी देख लेते हैं, जैसे हायर सेकेंडरी है, ठीक है, तो हायर सेकेंडरी में हिंदी सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर वही प्रोसेस करेंगे, कैप्चा करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसीज है, ठीक है, व्यू टेंटेटिव वैकेंसीज। चलिए तो हमारे पास आ चुकी हैं वैकेंसीज, तो किस स्कूल में है, तो देख लीजिए आप सिर्फ चार स्कूल हैं जहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं, ठीक है। ये तो छतरपुर ब्लॉक हो गया, हम और कोई ब्लॉक ले लेते हैं, जो भी, जैसे मैं लेती हूँ सागर, ठीक है, सागर का ब्लॉक ले लूँ। तो फर्स्टली आई प्रेफर्ड सागर। ओके, देन अब मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल देखना है, वो भी हिंदी रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैप्चर डाला, देन व्यू टेंटेटिव वैकेंसीज। ओके, सो जैसे ही मैंने डाला तो आपके सामने सारे स्कूल खुल गए हैं। तो सागर ब्लॉक के अंदर जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर भर सकते हैं। और अभी तक 20 का पता है कि 20 भर सकते हैं, क्योंकि जो
इन्होंने एक फॉर्म डाल के रखा है, उसमें से 20 ही कॉलम है, तो आई थिंक 20 कॉलम यानी कि 20 स्कूल ही आप भर सकते हो। सो आप देख सकते हैं गर्ल्स MLB स्कूल सागर, शाहपुर और गौरनगर है, ढाणा है और सागर है एक्सेलेंस स्कूल। ठीक है, ये तो हो गया। और भी ब्लॉक जैसे अब MS में मैं मैथ्स का देखती हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स का, ठीक है, ठीक है, मैथ्स। तो मैथ्स के लिए आपको यहाँ पर कैप्चा करना है, ओके, सामने जो आपको कैप्चा वर्ड है वो करना है, देन व्यू टेंटेटिव। चलिए हम देख लेते किस स्कूल में खाली है, सागर में आपका, MS में, ठीक है। तो ये इतने सारे खुल गए, ये आपको अब यहाँ पर ये देखना है कि आपके हिसाब से कौन सा आपके पास है और आप कहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप वैकेंसीज देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज है मैथ्स की भी, तो जहाँ आपको ईजिली पढ़े आप वहाँ देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि PS में, तो PS में ये यहाँ पर आपको वो नहीं बताएंगे कि कहाँ कितनी वैकेंसीज है, ठीक है, डाप करके देख सकते हैं अपन। तो देखो जैसे मैंने किया तो रिकॉर्ड नॉट फॉर्म, ओके, तो PS के लिए कोई भी रिकॉर्ड फॉर्म नहीं होगा। और सागर का कोई अदर ब्लॉक ले लेती हूँ, जैसे बंडा, बंडा में मुझे MS चाहिए या फिर HS चाहिए, वो भी मैथ्स के लिए, ओके। तो वही कैप्चा कर लीजिए 6 NLB, ओके, देन व्यू टेंटिव वैकेंसीज। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर हायर सेकेंडरी मैथमेटिक्स के लिए जगह खाली है, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपको लगे, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आप उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अपना कर सकते हैं फिलअप, ओके। बहुत ही इजी स्टेप है। और जैसे आप, और सबसे पहले आपको ये करना है कि जहाँ पर आपने वैकेंसी देखी है जिस स्कूल की, उसका ड्रेस कोड आप लिखिए और अपने सुविधा अनुसार जहाँ पर आप फर्स्ट प्रेफर कर सकते हैं, मतलब जहाँ पर आप फर्स्टली जाना चाहते हैं या जा सकते हैं, वहाँ पर पहले प्रेफर कीजिए, देन अदर को बाद में प्रेफरेंस दीजिए, ओके। सो ये था कि आप वैकेंसीज कैसे देख सकते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग ही आप चॉइस फिलिंग करें, तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू, ओके। सो आई थिंक आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।